चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के नेता के कविता से आज ईडी पूछताछ करेगी। दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 लागू करने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। कविता उन नेताओं और कारोबारियों में शामिल हैं जिनका नाम इस घोटाले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी केस में सलाखों के पीछे हैं। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। कविता से बुधवार को ही पूछताछ होनी थी लेकिन उन्होंने कुछ समय मांगा था। कविता ने फिर खुद ही बताया था कि वो 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। कविता बुधवार देर शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंची थी। ईडी की पूछताछ से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को कविता ने महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन किया। इस मुद्दे पर उन्हें 18 विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला। कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ कराई जाएगी। पिल्लई को ईडी ने सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। तो ओम सील इसी दौरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। ओम, लगातार जो है पूछताछ के कविता से की जा रही थी ईडी के द्वारा, लेकिन उन्होंने समय को टाल दिया। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को 11 मार्च को वो ईडी के सामने पेश होंगी। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए पूनम, 9 मार्च को जिस तरीके से इन्हें बुलाया गया था ईडी द्वारा, तो ये पेश नहीं हुई बल्कि ये एक हफ्ते का टाइम मांगी। सर ईडी ने एक हफ्ते का टाइम कहा दे, सर एक दिन का टाइम दिया और उस 9 तारीख के पूछताछ 11 तारीख में तब्दील कर दिया और इन्हें 11 तारीख को पेश होने के लिए बुलाया गया। इसी पूछताछ इन्हें पेश होना है और इसी के मद्देनजर केसीआर भी दिल्ली प्रदर्शित है और उनके कार्यकर्ता भी बाहर उनके घर के बाहर काफी रूम में उनका समर्थन देखने को मिल रहा है। जी ओम, बिल्कुल पिल्लई को पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और पिल्लई के सामने ही के कविता से पूछताछ की जाएगी। इस बारे में क्या कुछ जानकारी ओम निकल कर सामने आ रही है? ये जो पिल्लई है उन्हीं ने इनका के कविता का नाम सामने रखा था, ईडी के सामने रखा था और ये पिल्लई अरुण पिल्लई पेशे से एक कारोबारी है जो की इनका नाम सामने आया था जो 100 करोड़ का लेन देन है शराब घोटाले नीति में। उनका साफ तौर पर क्या नाम था की ये के कविता चाहती थी नए सिरे से ये शराब नीति बने और सुचारू रूप से नया कानून बनके शराब नीति चलता रहे। बिल्कुल ओम, जिस तरह से चुनाव आने से पहले लगातार ईडी की और सीबीआई की छापेमारी चल रही है हर जगह, दिल्ली से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना और यहां तक कि लालू यादव के घर पर, उनके करीबियों के घर पर लगातार छापेमारी, इसी को लेकर विपक्ष का ये कहना है कि जो सरकार है वो विपक्ष को भ्रष्टाचारी दिखाना चाहती है और ये एक एजेंडा है लोकसभा चुनाव से पहले का। पूनम देखिए, विपक्ष लगातार कहते रही है जहाँ जहाँ पर चुनाव आने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं वहाँ पर सेंट्रल एजेंसियां एक्टिव हो जाती है और ये हमने देखा भी है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, तमाम राज्य हो, वहाँ पर चुनाव की तुरंत पहले सेंट्रल एजेंसियां एक्टिव हो जाती है। वही केसीआर का भी साफ तौर पर कहना है की तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं, इसी के मद्देनजर इतना ज्यादा सेंट्रल एजेंसियां एक्टिव है तो केसीआर का वही भी कहना है कि बीजेपी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इनका साफ तौर पर कहना आज सुबह बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव के साथ में बिल्कुल देर से ही सही। अब के कविता ईडी को जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।